चलती रहती। एक राजा होता है, राजा का वो एक बार दरबार में बैठा बैठा सोचता है कि यार मरने के बाद क्या होगा, वहां की स्टोरी क्या है। अभी वो तो यार बोलता कोई मालूम नहीं पड़ता है। तो चलो ये बताओ कि कब्रिस्तान में अपने रात को मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। बोले यार वो भी पता नहीं है। तो बोले यार ढिंडोरा पिटवा दो कि कोई आदमी पूरी रात कब्र में सोए और पूरी रात कब्रिस्तान का अगर हाल बता देवे तो 500 सोने की मोहरे दे दूंगा। क्या 500? तो पूरा गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई बंदा है तैयार जो रात को वहां पे सोए। अब भला चंगा आदमी कोई तैयार नहीं हुआ। क्या साला अपने बस का रोग नहीं है, जान प्यारी है, जान प्यारी है। इतने में क्या हुआ, एक कंजूस आदमी था, वो कंजूस आदमी को वो बोला उसके पास करोड़ों रुपया। वो बोला यार 500 मोहरे आ रही है अपने को क्या, इधर नाइट, इधर नहीं नाइट तो उधर नाइट चाहिए। वो बोला मैं तैयार हूँ। वो साला गांव चकित रह गया। बोला ठीक है चलो। वो तैयार हुआ वो वहां पे आया तो वो जैसे ही रवाना हुआ एक फकीर उसके पीछे पड़ गया। बोला यार तू जा रहा है वापिस आएगा कि नहीं आएगा, तेरे पास इतना माल है मेरे को कुछ दे। वो बोला मैं तो कुछ नहीं दूंगा। अरे यार तेरे तू कोई भरोसा नहीं है कि रात वहां निकलने के बाद तू सुबह आएगा के नहीं। मेरे को तो कुछ दे दे। वो खींचते कब्रिस्तान तक आ गया। अच्छा फकीर हाँ। अब साला उसको कब्र तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो बोला तू चला जा, मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ, मैंने लाइफ में कुछ पैसा दिया नहीं। बोला कुछ तो तेरे को देना पड़ेगा। उस समय वहां पे क्या बिदामों के छिलके पड़े हुए थे बहुत सारे। तो वो देखा साला इसको भगाना है तो इतना बिलम, बहुत सारे बिलम के छिलके थे तो उसने उसको दे दिया क्या तू जा। फकीर बोला तेरी जो इच्छा है वो दे, कोई बात नहीं। चला गया, उसकी कब्र बनाई गई और उसके अंदर छेद रखा गया। अच्छा छेद रखा गया कि रात को क्या क्या गतिविधि होती है तू सुबह हमको पूरा बताए। वो सो गया, अंदर हो गया, थोड़ी देर में देखता एक सांप आया और वो सांप साला वो छेद के अंदर एंट्री मारने लगा। अब इसकी जान, अरे यार ये तो मरने वाला काम हो गया। वो वापिस आवे और वापिस सांप आवे, अबे इसकी हालत खराब। बोले कहा ये 500 रुपए के लपड़े में भर गए। अब उसका उससे रहा नहीं गया। वापिस 5 मिनट हुई, वापिस वो सांप आवे। अब बोला यार ये तो बहुत गलती हो गई है। इतने में देखता है कि पूरे जो बिदाम के छिलके थे ना वो सब उड़ के आके उसके छेद के ऊपर गिर गए और वो सांप अंदर जा नहीं सका और पूरी रात उसके आराम से निकल गई। वो सेवेज जुए पब्लिक आई, वो कब्र खोली और उसको पकड़ना चाहे वो तो सीधा भागा घर पे। घर पे भाग के उसका जो करोड़ों रुपया जो था ना वो सुबह से शाम तक दान कर दिया। अरे वाह। और कुछ काम नहीं किया वो साला, एक पैसा नहीं देवे, सबको दान कर दिया। वो राजा पकड़ के बोले हुआ क्या बता तो सही। बोले साला एक जो बिदाम के छिलके से अगर जान बच सकती है तो दुनिया में दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वाह 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 वाह। दुनिया में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बोला मैंने पूरा चिपका के नक्की किया। जय श्री राम। जय श्री राम। कर्म को नहीं है शर्म, उसने अच्छा किया तुरंत अच्छा किया।